हमारा देश गांवों के देश के रूप में जाना जाता है। देश की 70% आबादी गांवों में बसती है, इसी कारण गांवों को भारत का हृदय कहा गया है। भागदौड़ की जिंदगी से बहुत दूर शांत माहौल में भोले भाले चरित्र वाले लोग, जिनके देशीपन मानवता की कद्र केवल अब गांवों में ही बसकर रह गई है। हरे भरे खेत, फलों के बगीचे और सुंदर प्राकृतिक दृश्य भारतीय गांवों की विशेषताएं हैं। कहीं पहाड़ों की गोदी में अथवा नदियों के किनारे बसे गांवों का मनोरम नजारा दिल को सुकून देने वाला होता है। तो चलिए आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जिस गांव में महज 75 घर हैं, जिसमें से 47 IAS अफसर हैं। आमतौर पर लोगों में ये धारणा है कि देश को सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों ने दिए हैं। इन राज्यों के छात्र काफी मेहनती और होनहार कहे जाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही एक गांव के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, साथ ही गर्व भी होगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी। राजपूतों के इस गांव की खासियत है कि यहां मात्र 75 घर हैं, लेकिन अब तक 47 IAS IPS ऑफिसर चयनित हुए हैं। गांव के युवकों में प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की होड़ अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हो गई थी। 1914 में गांव के युवक मुस्तफा हुसैन PCS में चयनित हुए। इसके बाद 1952 में इंदु प्रकाश सिंह का IAS की 13वीं रैंक में चयन हुआ। वह फ्रांस सहित कई देशों में भारत के राजदूत भी रहे। जौनपुर के माधोपट्टी गांव के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। एक ही परिवार के चार भाइयों ने IAS की परीक्षा पास कर नया रिकॉर्ड कायम किया था। साल 1955 में बड़े भाई विनय ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जो आगे चलकर बिहार के प्रमुख सचिव बने। दूसरे भाई छत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह ने 1964 में ये परीक्षा पास की। इसके बाद इन्हीं के छोटे भाई शशिकांत सिंह ने 1968 में ये परीक्षा पास कर कीर्तिमान स्थापित किया। साल 2002 में शशिकांत के बेटे यशस्वी न केवल IAS बने, बल्कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 31वीं रैंक हासिल की। इस परिवार का रिकॉर्ड आज तक कायम है। बेटों के साथ यहाँ की बेटियों और बहुओं ने भी गांव का मान बढ़ाया है। PCS अधिकारियों की तो यहाँ पूरी फौज है। यहाँ के छात्र कॉलेज टाइम से ही सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। अफसर बनने के साथ दूसरे पेशों में गांव के युवक युवतियाँ नाम रोशन कर रहे हैं। यह गांव भले ही शिक्षा के मामले में अमीर हो, लेकिन यहाँ स्वच्छता, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी से आज भी जूझ रहा है। इलाके में एक भी ATM नहीं है। अस्पताल के लिए इन्हें गांव से 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। बिजली की भी कुछ खास सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में और आसपास के दूर दराज इलाकों में सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाला कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है। इतनी बड़ी खासियत होने के बावजूद यह गांव अभी भी सरकार की नज़र से परे है।